अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे। चलें चलते हैं, आपको लेके जाते हैं अपने किचन में। और हमारे किचन में बनने जा रही है दाल माश। आज हम बनाइए है एक कप दाल माश, हल्दी, प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्चें और गरम मसाला। और ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, अदरक भी हमें रिक्वायर्ड है, वो हम एंड में डाल लेंगे। इसके लिए हमें प्रेशर कुकर में हमने ऑयल डाला, ऑयल में हमने प्याज डाले, इसको लाइट गोल्डन फ्राई किया हमने, ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना। इसके बाद हमने इसमें लहसुन डाल दिया, ये लहसुन के जवे हमने डाल दिया, आप चाहे तो पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। हमने इसको ऐसे ही डाल दिया, इसको लाइट सा गोल्डन किया। और उसके बाद हमने नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और टमाटर, ये सारी चीज़ें हमने प्रेशर में ऐसे ही डाल देनी है और इनको भून लेना है। जब मसाला हमारा अच्छी तरह से भून जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे दाल। ये हमारे पास दाल थी, हमने भिगो के रखी थी आधा घंटा पहले, इसको हमने डाल दी। इसको हम भूनेंगे यहाँ तक कि इसका पानी ख़त्म हो जाए और हल्का हल्का सा ऑयल आने लग जाए। ये देखिए हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो गया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 कप के करीब पानी। आप चाहें तो अपनी दाल के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। हमें 2 कप रिक्वायर्ड थे, हमने 2 कप पानी डाल दिया। इसको डाल के हमने 3 से 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है। प्रेशर के बाद ये दाल इस कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद हमने डाल देनी है इसमें अदरक के 2 क्यूब्स, जूलियन कटा हुआ अदरक, गरम मसाला और काली मिर्चें और हरी मिर्चें, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मेरे तरीके से रेसिपी ये बनाएं, आपके घर वाले यकीनन पसंद करेंगे। ये ढाबा स्टाइल में हम बना रहे हैं, ढाबे में अक्सर ऐसी ही दालें मिलती हैं। ये हमने इसमें डाल दी है, हमारे पास पिसा हुआ अदरक क्यूब्स की फॉर्म में पड़ा हुआ था। आप चाहें तो 2 इंच के टुकड़े को मैश करके अच्छी तरह से पीस के वो डाल दें। ये देखें ऑयल रिलीज़ हो गया, इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया और हमारी दाल रेडी हो गई। ये दाल बहुत मज़े की बनी और सबने बहुत पसंद की। आपको मेरे चैनल की रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ हमने शाम को कीवी खाई और उसके बाद तूफ़ान, और इतना तूफ़ान आया, इतनी बारिश आई। आपके इलाके में भी बारिश आई होगी, बच्चों ने बारिश को बहुत इन्जॉय किया और यहाँ ओले भी पड़े, बहुत ओले पड़े। और हम छत पे इन्जॉय करके बहुत मज़ा आया हमें फैमिली के साथ। बारिश बहुत तेज़ थी, बहुत तूफ़ानी बारिश थी, बादल बहुत गरज रहे थे। रेहान और अहमद ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। उसके बाद बारिश जब ख़त्म हो गई तो फिर हम नीचे चले गए अपने नीचे वाले पोर्शन में, हम छत पे यहाँ एंजॉय करने आए थे। उसके बाद नीचे जाके हमने बनाई गुड़ वाली रोटियाँ। हमने आटा लिया, उसमें गुड़ को पकाया पानी में अच्छी तरह से पका के, उसको छान के हमने आटा गूंद लिया ये वाला। ये बहुत सिंपल और ईजी बनती है, हमारे घर में बहुत लाइक करते हैं। ख़ास तौर पर जब ऐसा मौसम हो तो ये रोटियाँ ऐसी बनाएँ, मीठी रोटी बहुत मज़े की लगती है। ये हमारे पास हमने इसके पेड़े बना के रख लिए, हमारे पास 5 पेड़े बन गए हमारे इसके हिसाब से। हमारी अम्मी इसमें खशखाश ऐड करती हैं जब रोटियां बनाती हैं, आटे में भी गूंद लेते हैं और थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल करके भी फ्राई करते हैं। ये हमने इसमें थोड़ी सी रोटी बनाकर इसको स्प्रिंकल कर दी हमने, और इसको हमने पैन में डाल दी, तवे पर डाल के इसको फ्राई किया। हमने देसी घी से बनाई थी, आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं। ये देखें इसके ऊपर हमने ऑयल डाला और इस तरह हमने इसके मीठे पराठे तैयार कर लिए। ये बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त रोटी बनती है। इसको हमने अचार के साथ सर्व किया, आप जैसे चाहें आप खा सकते हैं। हमने चाय और अचार ली और इसको इंजॉय किया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और इसके साथ ही चाहते हैं इजाज़त, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। अल्लाह हाफिज़।